हेलो एवरीवन वेलकम टू इकनॉमिक्स पा विश्वन एपता है सो आज के वीडियो के अंदर हम प्रॉबलिटी टॉपिक के बारे में देखेंगे सो so, प्रॉब्लिटी जो होती है दैट इज़ अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन कि कितना लाइकली एक इवेंट जो है वो अकर होगा सो so, उसके जो नंबर्स होते हैं द पॉसिबिलिटीज जो प्रॉबलिटी होती है वो ज़ीरो टू वन के बीच में लाया करती है जितनी ज़्यादा हायर प्रॉबलिटी होगी इवेंट की उतना ज़्यादा लाइकली होगा कि वो इवेंट जो है वो होगा सो नाउ दे फ्यू टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद प्रॉबलिटी फर्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट की कोई एक्शन या प्रोसेस जिसकी वजह से एक वन ऑफ मैनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जैसे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आप फ्लिप करते हो कॉइन को रोल करते हो डाई को कुछ एग्जाम के मार्क्स हो गए या कोर्स के ग्रेड्स हो गए तो देयर कैन बी वेरियस आउटकम्स सो आउटकम्स इसके हो सकते हैं जैसे फ्लिप करा आपने कॉइन तो उसमें हेड हो सकता है या टेल हो सकता है एंड इफ़ यू रोल अ डाई तो उसमें आपको आउटकम्स मिल सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो दे कैन बी सिक्स नंबर्स ऐसे एग्जाम के मार्क्स जो हैं दैट कैन बी फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड एंड कोर्स के ग्रेड कैन बी ए बी सी डी ई एफ सो नॉट ई बट एफ सो दे कैन बी लिस्ट ऑफ आउटकम्स जो कि एग्जॉस्टिव भी हो सकते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज सैम्पल स्पेस सैम्पल स्पेस मतलब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जैसे आउटकम वन टू थ्री देर कैन बी मल्टीपल आउटकम्स जैसे हमने अभी बात करी अगर आप एक डाय को रोल करोगे तो उसके अंदर आपको आउटकम मिल सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स में से आपको कोई भी नंबर मिल सकता है बट जब ये सारे नंबर्स कितने नंबर मिल सकते हैं सारे पॉसिबल जो आउटकम्स हैं दे आर बेसिकली द दैम्पल स्पेस कितने मिल सकते हैं आपको नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर्स तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी जब हम इकट्ठे लिख देते हैं दैट इज सैंपल स्पेस इवेंट उसमें से कोई एक इंडिविजुअल आउटकम जो आपको निकला इन द सैम्पल स्पेस उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं जैसे कलेक्शन और सेट ऑफ वन और मोस्ट सिंपल इवेंट इस इन किसी भी सैम्पल स्पेस के अंदर दैट इज़ एन इवेंट जैसे आपने डाई रोल करी उसमें सैम्पल स्पेस क्या हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसमें एक इवेंट हो गया कि आपका आउटकम थ्री निकला फोर निकला ठीक है सो दैट इज अ सिंपल इवेंट इवेंट के कोई भी आउटकम्स हो सकते हैं कि आपने रोल करी डाई करी और आउटकम जो है वो इवन इवन नंबर्स हो गए टू फोर सिक्स ठीक है नाउ लेट्स सी हाउ द असाइनिंग ऑफ प्रॉबलिटी इज़ डन गिवन है कि सैम्पल स्पेस है सैम्पल स्पेस के अंदर अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं आउटकम वन टू थ्री जिसके अंदर जो प्रॉबलिटी है ऑफ असाइनिंग इवेंट दैट मस सेटिस्फाई ये सारी कंडीशंस ठीक है सो फर्स्ट इसकी जो प्रॉबलिटी है एक इवेंट की वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है जैसे कि हमें पता है हमने देखा है कि प्रॉबलिटी के जो वैल्यूज़ हैं दैट लाई बिटवीन ज़ीरो टू वन ठीक है सो नॉन नेगेटिव होते प्रॉबलिटी किसी भी आउटकम की दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है प्रॉबलिटी पूरे सैम्पल स्पेस की दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन और अगर दो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं ए और बी तो उनका यूनियन जो होगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें कोई कॉमन एरिया नहीं है बिकॉज वो डिसजॉइंट सेट्स हैं ठीक है सो दैट इज देयर नाउ लेट्स सी द अप्रोचेज towards the probability first is a classical approach second is relative frequency and third is subjective first jo ki classical approach hai iske andar koi bhi agar event hota hai uske n simple outcomes hain to तो इस method के अंदर हम assign करते हैं probability of वन by n हर एक आउटकम के अंदर जैसे हर 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 एक आउटकम का जो अकरेंस है दैट इज इक्वल ठीक है जैसे आप एक डाई रोल करते हो तो उसका सैम्पल स्पेस हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सो हर सिंपल इवेंट जो है उसका जो चांस है दैट इज वन बाय सिक्स चांस ऑफ अकरिंग ऐसे ही आपको दो डाइज मिली हैं तो दो डाइज की जो सैम्पल होगा दैट बी थर्टी सिक्स वन बाई सिक्स इंटू वन बाई सिक्स दैट वन बाय थर्टी सिक्स सो इसके अंदर एज्यूम करा जा रहा है कि दो रोल कर रहे हैं हम डाई और जो इवेंट है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच सिंपल इवेंट ठीक है दैट इज़ देयर नेक्स्ट इज द रेलिटिव फ्रिक्वेंसी अप्रोच जिसके अंदर जो प्रॉबलिटी या असाइनिंग ऑन सिंपल एक्सपेरिमेंट या हम हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं लेट सपोज की कोई ए जो है वो इवेंट है ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करो कि वन हैव परफॉर्मेंस सेम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं एन टाइम्स सो यहाँ पर जो एन है दैट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर हो रहा है एन ए जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स ए डिड अकर सो इसके अंदर जो रेलिटिव फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज़ एन ए डिवाइड बाई एन सो प्रॉबिलिटी ऑफ ए विल भी लिमिट एंड टें टू इन्फिनी एन ए डिवाइड बाई एन सो दैट इज़ फिजिकली इम्प्रैक्टिकल है सो so, अगर हम रोल करते हैं गिवन अ डाई हंड्रेड टाइम्स थोड़ा वो है मतलब इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि फिजिकली आप सौ बार तो डाए रोल करोगे नहीं सो एंड नंबर ऑफ टाइम्स वन ऑब्जर्व कर जाएगा दैट इज़ फिफ्टीन सो इसके अंदर जो प्रॉबलिटी ऑफ ए होगा दैट इज़ एन ए डिवाइड बाई एन एन जो है दैट इज़ फिफ्टीन डिवाइड बाई हंड्रेड सो इसके अंदर जो प्रॉबलिटी ऑफ इवेंट ए होगी दैट बीज जीरो पॉइंट वन फाइव नॉ लेट सी द ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसके अंदर जो डिग्री ऑफ बिलीफ है वो दैट इज़ हेल्ड इन द अक्रेंस ऑफ एन इवेंट जैसे जजमेंट होती है सो क्लासिकल अप्रोच के अंदर इक्वल प्रॉबलिटी जजमेंट होती है और सब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर जो हमारी होती है दैट इज लिमिटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड दैट के नॉट दैट आर अनरिपीटेबल ठीक है सो जैसे हॉर्स की रेस है आठ घोड़े अगर रन कर रहे हैं तो पी पर्टिकुलर हॉर्स जो है वो विन करने की प्रॉब्लिटी क्या होगी वन बाई एट वो नहीं होगी यहाँ पे हम प्लेस करते हैं बेस्ट जजमेंट बेट करते हैं सो दैट इज़ वाई द इट इज़ कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच नाउ लेट सी द बेसिक रूल्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट देखेंगे कि एक ए जो है वो इवेंट है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि एक इवेंट ए जो है वो अकर नहीं होता है सो so अगर अगर हम इसका ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम दूसरे के साथ लेते हैं सो so इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज़ है दैट इज़ नॉट द बिकॉज एक इवेंट ए अकर हो रहा है और ए सी जो है दैट इज एन इवेंट कि वो अकर नहीं हो रहा है सो दैट इज़ अ नल सेट एम्प्टी सेट आएगा अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमें सैम्पल स्पेस मिलेगा ठीक है सो दैट इज़ देयर वन जो है दैट इज़ प्रॉबलिटी सैम्पल स्पेस की प्रॉबलिटी वन होती है इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो so, सिंस इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है नहीं सो प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ बी आ जाता है एंड वॉट वी गेट इज प्रॉबल्टी की इवेंट जो है वो अक्कर होगा so, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया सो so, उसके अंदर क्या होगा प्रॉबलिटी ए कॉम्प्लीमेंट का दैट बी इक्वल टू वन माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ए सो ऐसे ही हम अगर रोल करते हैं डाई उसके अंदर आउटकम हम आने तीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इज़ वन सिक्स और प्रोबेबिलिटी आउटकम थ्री नहीं आएगा दैट इज़ वन वन माइनस वन बाय सिक्स दैट इज़ फाइव बाई सिक्स ऐसे ही दे आर डिफरेंट अदर सेट्स लाइक यूनियन या एडिशन सो so जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर करते हैं सो प्रॉबलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबलिटी ऑफ बी करते हैं जिसके अंदर से सब ट्रैक कर देते हैं जो भी कॉमन एरिया जो ओवरलैप कर रहा है सो प्रॉबलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी को हम हटा देते हैं सो so, अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट uh, होगा दैट बी वो क्या होगा वो नल होगा सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन वी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सो नेक्स्ट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे स्टेट यूनियन फॉर दैट एज वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाई बाय